नमस्कार नई धारा संवाद में आपका स्वागत है कक्षा में जो छात्र जोर से नहीं बोलते उनकी आवाज दब जाती है धीरे धीरे वे पिछली बेंच पर चुपचाप बैठने लगते हैं फिर एक दिन ऐसा आता है जब उनका होना ना होना एक बराबर हो जाता है होते हुए भी वे गायब हो जाते हैं और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती हमारा समाज भी कुछ इस तरह का ही है जहां कमजोर की आवाज को दबा दिया जाता है लेकिन कुछ लेखक ऐसे होते हैं जो इन कमजोर बच्चों का हाथ थाम लेते हैं चारों तरफ मच रहे शोर में से उनकी आवाज को खींचकर समाज के सामने रख देते हैं फिर उन्हें सुनने के अलावा कोई चारा नहीं बचता जमीर की तहों में उनकी आवाज दूर दूर तक गूंजती है उस समय एक लेखक रचनाकार हो जाता है जो सिर्फ एक कहानी की नहीं बल्कि समाज की रचना करता है आज हम एक ऐसी ही रचनाकार से मिलेंगे जिन्होंने रेलवे प्लेटफॉर्म पर अखबार बेचने वाले बच्चों झुकी झोपड़ी में जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद करने वाले मजदूरों लिंग विकलांगता की वजह से ठीक मांगने पर मजबूर कर दिए जाने वाले लोगों इन सब की आवाज हमारे बीच रखी स्वागत करते हैं उत्कृष्ट लेखिका कथाकार चित्रा मुदगल जी का नमस्कार चित्रा नहीं जी नई धारा नहीं। की ओर से मैं आपको सादर नमन करती हूँ मैं भी तुम्हें बहुत बहुत आशीर्वाद और नमस्कार करती हूँ और सारी यूनिट को मैं नए वर्ष पर बधाई देती हूँ नई धारा संवाद ये जो आरंभ हुआ है सिलसिला ये बहुत चर्चा में आया है चर्चा चल रही है और मैं याद कर रही हूँ उदयराज जी को उदयराज स्मृति सम्मान मुझे अः में मिला था और मैं मुझे बहुत प्रसन्नता हुई थी क्योंकि उदयराज जी का पूरा परिवार समर्पित रहा साहित्य को लेकर और मुझे याद आता है कि जिस वक्त मैं प्रसार भारती में 2002 में थी मैंने उनके पिता की कहानी राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की कानों में कंगना को इंडियन क्लासिक्स के तहत बनाया था तो ये एक ऐसे परिवार के द्वारा मिला सम्मान है जो खुद खुद कहीं ना कहीं एक साहित्यिक समकालीन साहित्य में कहीं हलचल पैदा करता है और मनमीत मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं जो शुरुआत करना चाहती हूँ एक छोटी सी कविता पढ़कर जिसे मेरे मेरे मित्रों ने मेरे जो मित्र साहित्यिक मित्र हैं किसी ने कहा कि ये कथा है ये कविता नहीं है आप इसे कविता क्यों कह रही हैं? तो मैंने कहा भैया मैंने डायरी में नोट किया है और ये आप तय कीजिए तो अधिकांश लोगों ने कहा और विशेषकर लघु कथाकार शिरोमणि हम उनको कहेंगे पंजाब के रमेश बत्रा जी ने कहा कि ये तो लघु कथा ही है तो मैं उसे पढ़ना चाहती हूं यह आप तय कीजिएगा ये आतंकवाद उन दिनों बहुत फैला हुआ था पंजाब में और आ, लगातार आ रहा था बच्चे मारे जा रहे हैं मार रहे हैं तो मैंने ये लिखी थी मतलब कथा इसका शीर्षक आतंकवाद है और आ, सुबह सुबह जब मैं अखबार आंखों के आगे फैलाती हूँ सुबह जब मैं अखबार आंखों के आगे फैलाती हूँ शब्द शब्द अपनी कोख को कत्ल हुआ पाती हूँ सुबह अखबार जब मैं आँखों के आगे फैलाती हूँ शब्द शब्द अपनी कोख को कत्ल हुआ पाती हूँ ये एक छोटी सी लघु कथा है और अ, मेरी लघु कथा की पुस्तक जो भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित उसमें ये शामिल है लेकिन कुछ लोग इसे कविता समझते हैं लेकिन ये मेरे लिए एक इतना बड़ा दुख है इतनी बड़ी पीड़ा है जो उस समय पंजाब में घट रहा था और हमारे बच्चों को जो कहीं भटके हुए थे या कहीं कुछ उनकी मांगे थी उसको लेकर ये दुख एक स्त्री लेखिका ने महसूस किया और उसकी अनुभूति थी मैं अपने उपन्यास जिसे अकादमी अवार्ड मिला पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा जिसे 30 तीस जनवरी 30 तीस जनवरी 2019 को मिला और उस समय मैंने लोगों को ये बताया उत्सुक थे लोग उनका उत्सुक थे जानना चाहते थे मैंने ये उपन्यास क्यों लिखा और ये उपन्यास है क्या क्योंकि उस वक्त तो उन्होंने वो उपन्यास नहीं पढ़ा था तो मैं एक बेहद एक छोटा सा छोटा सा अंश मनमीत की अनुमति लेकर के मुझे अनुमति है मनमीत बिल्कुल मुझे? हम भी उत्सुक हैं सुनने के लिए चलिए मैं आ, इसका शीर्षक मैंने दिया कबूलनामा मनमीत कबूलनामा यानी लेखक जो लिखता है वो क्यों लिखता है किस लिए लिखता है कैसे लिखता है क्यों प्रेरित होता है लिखने के लिए और कभी कभी उसे लगता है कि उसके लेखन का अर्थ क्या है समाज में क्या वो लेखन हस्तक्षेप करेगा यानी मेरा नाला सुपारा लिखने का जो उद्देश्य रहा तो मैं वो अंश पढ़ती हूं और मनमीत की अनुमति मिल गई है मुझे कबूलनामा हाँ हाँ मैं लेखक चित्रा मुद्गल स्वीकार करती हूँ अपने पूरे होशो हवास के साथ कि मैं एक अक्षम्य अपराधी हूं और शायद मैं आखिरी सांस तक भी उस अपराध बोध से मुक्त नहीं हो पाऊंगी हाँ मैं स्वीकार करती हूं यह भी कि पोस्ट बॉक्स नंबर 203 सौ तीन नाला सोपारा लिख लेने के बाद भी मैं उस अपराध बोध से मुक्त नहीं हो पाई हूं जिससे मुक्ति की कामना ने मुझसे यह उपन्यास लिखवाया अपने चेत से यानी अपनी चेतना से लगातार मुठभेड़ करती हुई मैं लिखी जाती पंक्ति दर पंक्ति की पगडंडियों की माटी में गहरे धसी तीखी नुकीली कंकड़ियों को उचकाते बीनते बीन कर उखाड़ फेंकते उन रास्तों को तलाशती रही और सोचती रही जिन पर चलते हुए खोज लूंगी उन्हें और चिन्हित कर सकूंगी उन अपराधियों को जो मुझे मुक्त कर देंगे इस अपराध बोध से स्वयं ही यह कबूल कर कि फिजूल ही तुम पदताप में घुल रही हो जो अपराध तुमने किया ही नहीं है उसके लिए तुम स्वयं को दोषी क्यों ठहरा रही हो हो सकता है यह अपराध तुम्हारी बुजुर्ग पीढ़ी से हुआ हो या बुजुर्ग पीढ़ी की पूर्व पीढ़ी से या पूर्व पीढ़ी की पूर्व पीढ़ी से या उस पूर्व पीढ़ी की पूर्व पीढ़ी से लेकिन कुछ तर्क आपको सहारा देने की बजाय पूरी निसंगता के साथ आपकी चेतना के नीचे से अपना कंधा खिसका लेते हैं शब्दों में डूबे हुए हर पल महसूस हुआ लिखे जाते हर शब्द के साथ अचानक शब्द रूप बदल लेते हैं सहसा वे हो उठते हैं नवजात क्रंदन करते हजारों हजारों मासूम शिशुओं से उन शिशुओं से उनकी कांपती मुठियों से झरते हैं उनकी चीखों सने रिलियाते कुछ शब्द जो कह रहे होते हैं हम वो बच्चे हैं हम वो बच्चे हैं जिन्हें सदियों के सीने पर कलंक समझा गया जन्मते ही हमें माँ के दूध से वंचित कर घर से बाहर फेंक दिया गया क्योंकि हम लिंग विकलांग पैदा हुए थे विचित्र है गर्भ से बाहर आते ही नाल काट हमें सामाजिक जीवन से जोड़ दिया गया लेकिन फिर समाज के भय से सामाजिक लोकापवाद के भय से सामाजिकता से काट, काट, हमें नरक समाज के उन अंधेरे कोनों में फेंक दिया गया जहां न हमारा कोई घर था न हमारे लिए कोई समाज ना सामाजिकता न कोई उत्सव न अनुष्ठान वो समाज जो सबके लिए था नहीं था तो केवल हमारे लिए नहीं था यह इतना दुखदायी था और इस इस अन्याय के बारे में सोचकर मुझे लगा कि इन रुदन इन बच्चों के इन रुदन को कैसे दबाया जा सकता है कैसे दबाया गया समाज के हाशिए पर हर वंचित को जगह दी गई आरक्षण दिया गया उनके बारे में सोचा गया सरकार ने उन्हें सुविधा दी उनके बच्चों को शिक्षित करने की बात की लेकिन नाला सोपारा यह सवाल उठाता है कि इन बच्चों को इन बच्चों को अपने घर से क्यों अब दस्त होना पड़ा और यह भी मैं कहना चाहती हूं कि आपके लिए शायद यह विश्वास कर पाना कठिन होगा कि लेखकों की कुछ कृतियां उसके अपराध बोध की संतानें होती हैं। सामाजिक कार्यकर्ता मामूली सी सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये लगातार महसूस करती रही कि एक माँ और बेटे के बीच पोस्ट बॉक्स नंबर 203 सौ की जरूरत क्यों पड़ी जबकि उसकी माँ है उसके पिता है उसका घर है मैं उपन्यास नाला सोपारा का अंश अब आपको सुनाना चाहती हूँ मनमीत और आपकी अनुमति मुझे चाहिए उसके लिए और आ, किताब तो ये सभी ने देखी होगी आपने इसे रखा है और आ, मैं छोटा सा दौर का सुनाना चाहती हूँ तेवीस सात दो हजार ग्यारह तीन बटे चार मोहन बाबा नगर बदरपुर दिल्ली मेरी बा बा गुजराती में कहते हैं मां और दीकरा कहते हैं बेटे को मेरी बा इस संकरी गली के संकरे छोर पर प्लास्टर उभरी दीवालों वाले घर की सीखचू वाली इकलौती खिड़की के पार दिल्ली के मेघ बरस रहे हैं खिड़की से सटे सघन छतनार के पेड़ को तेज हवा में ऊब चुभ होती बारिश की तरंगे उसकी टहनियों को पकड़ पकड़ कर नहलाने की कोशिश कर रही हैं। टहनिया हैं कि उन बौछारों की पकड़ से छूट भागने को बेचैन हो रही हैं। जैसे जैसे मैं तुम्हारे हाथों से छूट भागने को व्याकुल तुम्हारी पकड़ में कस मसाता पानी की उलीच में ऊब चुप होता रहता था खुद से रोज नहाता है तो इतनी मैल कैसे छूट जाती है धब खीज भरा धौल मेरे पखोरे हिला देता तो उसे कभी बता नहीं पाया बा नहाने से मुझे डर लगता था बाथरूम में तेरे जबरदस्ती धकेलने पर नल खोल बाल्टी से फर्श पर पानी उलीच मैं नहाने का सिर्फ स्वांग भर रचता था बस तौलिए का कोना भिगोकर मुंह हाथ भर पोछ लिया करता था ताकि तू छूए तो महसूस करे कि मैं सचमुच बाथरूम से नहाकर निकला हूं तू तो समझती थी कि नहाने के मामले में मैं नंबरी आलसी हूं तेरा भ्रम तोड़ता तो कैसे डबल रोटी से फूले तेरे थके पाओ को जब भी मैं देखता था मुझे चिंता होने लगती थी मुझे चिंता होने लगती थी तेरे पांव सूजे हुए हैं साड़ी की फॉल से ढके हुए उनकी सूजन किसी को नजर नहीं आती है घर में मालूम नहीं कैसे वह मुझे दिखाई दे जाती है मैं तुझे टोकता दिन भर घर में डोलती बाजार से साग सब्जी ढोकर लाती देवी की दर्शनों को पास में ही है कहकर मुंबा देवी के मंदिर जाती लगभग चार पांच किलोमीटर का चक्कर तेरा रोज ही लग जाता है मदद की खातिर तू तो कोई नौकर क्यों नहीं रख लेती नौकर दुकान पर तो होते ही हैं और जाते ही हैं तो हंसकर कहती बात टालते हुए तू जो पैरों को चाप कर उनकी उंगलियां खींचकर चख खाता है ना चलूंगी नहीं तो तेरे नन्हे हाथों का वश सुख कैसे पाऊंगी तेरे पांव तेरे अब अभी सूझते होंगे ना मैं उन उंगलियों को कैसे चटखाऊ कैसे दूर करूं उनकी थकान थक कर डबल रोटी से सूझ जाने वाले तेरे उन पाओ को मैं तेरे पाओ को मैं चूमना चाहता हूं उनकी टीसें लेना चाहता हूँ उन्हें छाती से लगाकर सोना चाहता हूं हफ्ता भर नहीं दर रोज नहीं महीनों नहीं पूरे वर्ष नहीं सदियों। संचित कर लेना चाहता हूं ताम्र की नींद जितनी भी मिल जाए फिर चाहे जितनी रातें पलक झपकाए बिना बैठे-बैठे करवटें भरते बीते या पूरी रात पूरी रात टहलते हुए बस सह लूंगा कष्ट झेल लूंगा शिकायत नहीं करूंगा किसी से कि मैं इसलिए अनमना हूं कि रात भर सो नहीं पाया तूने फोन पर कहा था ना सुन जब भी तू अनमना महसूस करे देख किसी भी समय ध्यान मुद्रा में बैठकर कृष्ण को याद करना गहरे गहरे अपनी अंतरात्मा में उतरने का प्रयास करना दो चार रोज हो सकता है तेरा प्रयत्न निरर्थक साबित हो मगर कुछ रोज स्वयं को साधने के बाद तुझे कुछ अनोखा सा अनुभव होगा अनोखा कृष्ण की छवि शून्य हो जाएगी और तेरी अंतर आत्मा में तुझे कहीं से बांसुरी की मध्यम सुनाई देगी जो तेरे उस शून्य को सैकड़ों अगरबत्ती की सुगंध से सुवासित कर देगी जब तक तू दीकरा बांसुरी की महक में डूबा हुआ स्वयं को भूला रहेगा तू गहरी नींद सोता रहेगा सुन दीकरा तेरी बाकी लोरी में भी वह सम्मोहन शक्ति नहीं है जो अपने बच्चों को उस गहरी नींद का सुख दे सके बा, मैंने वह कोशिश शुरू कर दी है रोज नहाने के बाद में ध्यान मुद्रा में बैठ जाता हूं पर विचित्र है ध्यान में तू आ जाती है तू तेरे कृष्ण नहीं तेरे कृष्ण को कहीं इस जगह से तो परहेज नहीं या आधे अधूरे मुझसे उनकी लात घू से थप्पड़ कानों में गर्म तेल सी टपकती किसी भी संबंध को न बख्शने वाली अश्लील गालियों के बावजूद न मैं मटक मटक कर ताली पीटने को राजी हुआ दस साल में सितारों वाली साड़ियां लपेट देह में लिपस्टिक लगा कानों में बुंदी लटकाने को तुमने स्कूल के लिए निकलते हुए बा चुपके से मेरी जेब में सरकाए जाने वाले नोट की भांति एक सुझाव एक सलाह सरकाई थी खा लेना जो तेरे मन में आए बिन्नी ढेर सी दिलासा सरकाई थी मेरे सहन में भय मुक्त किया था मुझे कि तू तिनका नहीं है दिख रहा तू तो फिजूल की चिंता क्यों करता है कि मैं वैसा क्यों नहीं हुआ जैसे मेरे अन्य दोस्त स्कूल की चार दीवारी से सटकर पैंट के बटन खोलकर खड़े हो जाते हैं मगर बहुत जल्द मेरा भ्रम टूट गया जिस नरक में तूने और पापा ने धकेला है मुझे वह एक अंधा कुआ है जिसमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सांप बिच्छू रहते हैं सांप बिच्छू बनकर वह पैदा नहीं हुए होंगे बा बस इस कुएं ने उन्हें आदमी नहीं रहने दिया भूलते क्यों नहीं कीलों से चुपते प्रसंग क्यों घुमड़ आते हैं तेरी स्मृतियों के कंधों पर सवार होकर कीलों से पसंद। क्यों घुमड़ आते हैं तेरी स्मृतियों के कंधों पर दुखे? तेरी स्मृतियां जो मेरी सांसों में घुली हुई हैं बा उन्हें अपने से अलग करूं तो कैसे अलग करूं कहा हूं मैं कहा आ गया हूं याद रखना चाहता हूं तो बस बरसों बरस बात सुनी तेरी गई फो तेरी सुनी गई फोन पर टटकार भरी आवाज कुछ मेरी आवाज के बा उच्चारते ही तेरी गोद में तब्दील हो गई थी दीकरा दीकरा मेरा बिन्नी तू तू कहां से बोल रहा है यह पत्र अब पूरा नहीं कर पाऊंगा सिंचू के बाहर मेघों का बरसना कम नहीं हो रहा भीतर अपने भीतर उसे मैं कैसे रोकू कैसे रोकू कमरे की छत जाने कौन उड़ा ले गया है लिफाफे पर पता लिख दिया है जिसे तूने फोन पर नोट करवाया है पता पोस्ट ऑफिस का है पता पोस्ट ऑफिस का है मेरे घर का नहीं मेरे घर का पता क्या कहीं कोई है बा ये एक छोटा सा अंश मैंने पढ़ा और क्या मैं एक छोटा अंश और पढ़ सकती हूँ मनमीत क्या चित्रा जी, जी मैं चाहूंगी कि दर्शक बहुत उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि उपन्यास इसका जन्म कहाँ से हुआ मेरे हाथ पैर काम रहे हैं माफी चाहती हूँ आपसे जो आपने पढ़ा है मेरा गला रूंध किया है और जब मैंने पहली बार आपका ये उपन्यास पढ़ा था जब आपने बात कही कि भीतर भी मेघ बाहर भी मेघ उस दिन मेरे यहाँ बारिश हो रही थी और मैं जार, -जार हो रही थी मेरे आंसू नहीं रोक रहे थे अभी भी बड़ी मुश्किल से मैंने आपने आंसुओं को रोका है और जिस अपराध की बात आप कर रही हैं उस अपराध का हिस्सा मैं भी हूं ये ये शर्मिंदा जो आप महसूस हो रही हैं मैं खुद पर शर्मिंदा हूं एक एक अंश मैंने भी पढ़ना चाहा है जो मैं आपकी इजाजत से पढ़ना चाहूंगी तो आपसे सवाल पूछना ये आपकी पीढ़ी के लिए ही मैंने लिखा है मेरा बोध उस दिन खत्म होगा मेरी सांसें शायद खत्म होंगी उसके साथ लेकिन आपकी पीढ़ी अगर इस संदेश को सदियों सदियों से जो कुछ हुआ है मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है मैं आपके आवाज में सुना चाहती हूँ कि माँ और बेटे के बीच ये पोस्ट बॉक्स <laughs> मूर्ख नहीं आंखें खोल पा रही कि तुम ना माधुरी दीक्षित हो ना रेखा मूर्ख नहीं आंखें खोल पा रहे हैं कि तुम ना माधुरी दीक्षित हो ना रेखा जन नांग विकलांगता बहुत बड़ा दोष है लेकिन इतना बड़ा भी नहीं कि तुम मान लो कि तुम धड़ का मात्र वही निचला हिस्सा भर हो मस्तिष्क नहीं हो दिल नहीं हो धड़कन नहीं हो आंख नहीं हो तुम्हारे हाथ पैर नहीं है।, है, है, है सब वैसा ही है जैसे औरों के हैं यौन सुख लेने देने से वंचित हो तुम, वात्सल्य सुख से नहीं सोचो चित्रा जी ये पढ़कर मुझे ऐसा लगा मैंने पहले क्यों नहीं सोचा जब भी रेड लाइट पर विकलांग लिंग विकलांग लोगों को देखती थी मैं बस अपने कार के शीशे ऊपर चढ़ा लेती थी और मुंह फेर लेती थी एक बारी भी मन में ख्याल नहीं आया कि उनकी जिंदगी में क्या मजबूरियां रही होंगी उनके भी कुछ खाब होंगे यूं घर घर बच्चा पैदा होने पर नाचना रेड लाइट पर तालियां बजाकर भीख मांगना ऐसा जीवन तो नहीं चाहा होगा उन्होंने तो आपके मन में पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा ये उपन्यास इसका विचार कैसे आया आपके मन में कभी सोचा नहीं था जिस अपराध बोध की बात कर रही हूं वो अपराध बोध है एक लेखक का एक सामाजिक नागरिक का और एक सोशल एक्टिविस्ट का जब भी मैं तुम्हारी तरह ही तुमने जैसा मेरा अनुभव ही बयान किया है महसूस किया है उस तकलीफ को इस को इस उपन्यास पढ़ने के बाद मेरे कंपार्टमेंट में भी लोकल ट्रेन के जब ये आते थे तो मैं वैसा ही महसूस करती थी ठीक जैसा तुमने महसूस किया बेटा और आ, ये तो मैंने बरसों 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 बाद कि एक घटना एक घटना ऐसी घटी कि सेवेंटी नाइन की बात है मेरे पति का ट्रांसफ़र बॉम्बे टाइम्स ऑफ इंडिया से वो सारिका के चीफ सब थे उस वक्त और ट्रांसफ़र दिल्ली टाइम्स ऑफ इंडिया में कर दिया गया पूरा सारिका का डिपार्टमेंट जो है वो दिल्ली आ गया सेवेंटी नाइन में और मैं उस वक्त मेरे बच्चे पढ़ रहे थे मेरा बेटा कार्डिनल ग्रेशियस में पढ़ रहा था मेरी बेटी भी पढ़ रही थी छोटी और मुझे लग रहा था कि और मैं जिन सोशल संस्थाओं से जुड़ी हुई थी उनकी भी कुछ जिम्मेदारी थी मेरे ऊपर क्या करें जल्दबाजी में कुछ समझ में नहीं आ रहा था बच्चों को गर्मी की छुट्टियों में लेकर मैं दिल्ली आती थी और उस वक्त लॉरेंस रोड पर मैं रह रही थी और एक महीना मैं पूरी गर्मी की छुट्टियों भर अपने बच्चों के साथ अपने पति के साथ वहाँ रहती थी और उसके बाद वापस लौटती थी मैं तेरह जनवरी को चूंकि बॉम्बे में स्कूल खुल जाते हैं तो यह बात थी ग्यारह जनवरी की और मैं ग्यारह ग्यारह जुलाई की माफ़ी चाहती हूँ ग्यारह जुलाई की और आ, हम आ, दिल्ली नई दिल्ली स्टेशन से पांच नंबर प्लेटफॉर्म से अमृतसर से डिलक्स पश्चिम एक्सप्रेस कहलाती थी ये ट्रेन और वैसे कहा जाता था उससे हम लौट रहे थे और अपने बच्चों के साथ और तीन बर्थ हमारी थी बेटी भी थोड़ी बड़ी थी उसकी भी थी बेटी अपने पापा की गोद से बिलकती हुई उतरने को तैयार नहीं थी किसी तरह उसे छीन करके गोद से मैं दरवाजे पर टाटा बच्चे का हाथ हिलाते हुए उनके पिता की ओर उसे दिखलाते हुए उसके बाद मैं अपनी सीट की ओर बढ़ी तो इतने में मैंने देखा कि एक लड़का भागते-भागते एकदम से हैंडल पकड़कर भीतर आया और मुझे और गाड़ी गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी थी इतना मुझे भय लगा कि अरे मैंने कहा अरे तुम आज वहां जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बाद में सीट देख लेना वो हाफ रहा था एकदम बाद में जब थोड़ी दूर तक गाड़ी निकल आई और तब मैंने उसको कहा मैंने सोचा मन मैंन में तीन बर्थ है चौथी बर्थ शायद इसी की होगी जो भागते भागते चढ़ा उसको पूछा कि तुम्हारी बर्थ है तो उसने कहा नहीं मेरा जनरल कंपार्टमेंट है और आ, आ, मैं गाड़ी छूट रही थी इसलिए भागते हुए चढ़ाया हूँ मैं भरतपुर जब ये गाड़ी रुकेगी और तब मैं उतर करके भरतपुर अपना जनरल कंपार्टमेंट में चला जाऊंगा तब तक तो कोई उपाय नहीं है तो मैंने कहा भरतपुर तो गाड़ी रात को ग्यारह बजे पहुंचेगी और तब तक तुम तो बैठो बैठो आराम से टीटीआई आया टीटीआई को को उसने सही बात बताई जो उसने मुझसे कही मैंने टीटीआई से कहा मेरी बेटी की भी एक बर्थ है और सीट है बच्ची है छोटी है इसके पिता ने रिजर्वेशन करा देते हैं जबकि छह साल तक बच्चों का उस वक्त मतलब टिकट नहीं पड़ता था लेकिन फिर भी कि बच्ची को कोई तकलीफ ना हो तो आ, मैंने कहा इसको यहीं अगर बैठा रहेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है मैंने ये बात कह दी टीटीआई आगे चला गया और उसके बाद मेरी बच्ची जो बहुत रो करके बिल्कुल उदास थी उसके साथ उस बच्ची ने बातें करनी शुरू की और धीरे धीरे जब आ, हमने खाना खाया हमने उससे साझा किया हमने भरतपुर आने पर बच्ची सो गई मेरा बेटा राजीव भी सो गया और उसने वो बिस्तर वगैरह लगा दिया उनका और मैं ने उसको कहा नहीं तुम नहीं उतरोगे मैंने उससे बातें करनी शुरू की मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता उस रात उस एक रात जिन लोगों से मैंने 45 वर्षों तक घृणा की और समझा ये क्या है एक नागरिक होने के नाते भी मैंने उनको मनुष्य नहीं समझा मंगता समझा भिखारी समझा आ जाते हैं और जिद करते हैं लड़ते हैं जबरदस्ती करते हैं जो बातें हुई रात को चार बजे तक हम सो नहीं पाए उसने कहा उसको नाला सोपारा उतरना है मैंने कहा नाला सोपारा तो ये गाड़ी रुकती नहीं है ये तो बोरीवली रुकेगी जा करके तुम कैसे नाला सोपारा उतरोगे मैं तो बॉम्बे सेंट्रल उतरूंगी मैंने कहा एक काम करते हैं तुम डाला सोपारा न उतर के बॉम्बे सेंट्रल उतरो। तो बोला नहीं मैं बोरीवली उतर जाऊंगा और रात भर प्लेटफॉर्म पर सोऊंगा बेंच के ऊपर सुबह नौ बजे मेरी माँ घर में झूठ बोल करके या झूठ नहीं भी बोलकर पूजा के लिए मंदिर निकलेगी श्री राम मंदिर और माँ वहां मंदिर न जाकर के प्लेटफॉर्म आएगी थ्री व्हीलर पकड़ करके मुझसे मिलने के लिए और ये चाय वाले का जो स्टॉल है यही हमारे मिलने की जगह है यही हम मिलेंगे और दो ढाई घंटे माँ जो है वो मेरे साथ रहेगी और उसके बाद मैं माँ को आ, स्टेशन पार कर आके थ्री व्हीलर में बैठा दूँगा और फिर मैं ऐसे ही रात बिताऊँगा और उसी तरह से फिर मैं बोरीवली जाऊंगा और मैं डिलेक्स पकड़ूंगा तो आ, मैंने उससे कहा कि नहीं रात को तुम प्लेटफॉर्म पे नहीं सो से तुम बिना माँ के नहीं हो तुम चलो मेरे घर चलो रात को मेरे बच्चों के साथ तुम सोडा और सुबह सुबह मैं तुम्हारे साथ बच्चों को घर में छोड़ करके अः मैं तुम्हारे साथ अः वहां चलूंगी नाला सुपारा तुम्हारी मां से मिलूंगे और फिर वह रात और वह सुबह और वह दिन वह भेद उसने मेरी जिंदगी का सफा ही पलट दिया मैं बता नहीं सकती मैंने कहा अधिकार है मैं अपने को एक सामाजिक कार्यकर्ता मामूली सा समझती हूं मगर मेरी जो नेता है मेरे जो नेता हैं ट्रेड यूनियन के उन्होंने भी कभी नहीं सोचा इनके बारे में कि आरक्षण में ओबीसी ये, ये क्यों नहीं है मेरी ताई गोरे ने क्यों नहीं सोचा जो वंचितों के लिए रात दिन काम करती हैं हम लोगों को सड़कों पे डिब्बे लेकर खड़ा कर देती हैं कि आने जाने वालों से कुछ मदद मांगो क्यों नहीं उन्होंने सोचा इनके बारे में तो कभी सरकार ने भी नहीं सोचा इतने बड़े बड़े कानून विद, इतने बड़े बडे तो ये जो तकलीफ उस रात मैंने झेली है उस सुबह झेली है ये था मेरी जिंदगी का बहुत डिपार्चर जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी उस दिन के बाद अपराध बोध लिए मैं डायरिया लिखती रही और उसको मैंने कहा जाने से पहले भी तुम घर आना बच्चे स्कूल चले गए वो घर मिलने के लिए आया मैंने उससे पूछा बहुत थोड़े से पैसे मेरे पास होते हैं दो दो गृहस्थियाँ एक दिल्ली में चलती है कि यहाँ पर और मैं फ्री लासर हूँ मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ उसने कहा उतने पैसे मेरे पास में हैं फिर भी मैंने जबरदस्ती उसको कुछ दिया और वो मेरे पाँव छू गया मैंने कहा मैं तुम्हें संपर्क करूंगी कहाँ रहते हो उसने अपना पता दिया बदरपुर दिल्ली वहां वो एक दल के साथ अपनी ही बिरादरी के दल के साथ रह रहा था उसने मुझे बताया था कि वो पढ़ना चाहता है वो अपनी शिक्षा जारी रखना चाहता है वो इस जिंदगी से मुक्त होना चाहता है उसके दल वाले नाचते गाते कभी गाजियाबाद जाते हैं कभी फरीदाबाद जाते हैं कभी कहीं आसपास के इलाके में जाते हैं वह सिर्फ जाता है उनके साथ में लेकिन खड़ा रहता है मजबूरी है तो उस दिन मैंने तय किया था कि मैं इस विषय पर जरूर लिखूंगी लेकिन मैंने नहीं लिखा मैं अपने लेखन के किसी और प्रोजेक्ट में लगातार लगातार रही और बात दिमाग से आई गई हो गई और 2010 की बात है मैं दिल्ली के वर्धमान अपार्टमेंट्स में रह रही थी और अब आ, मेरा घर थोड़ा पास में ही है दूसरा है लेकिन वहां पर जनगणना के लिए जो सरकारी अधिकारी आते हैं वो आए और उन्होंने कहा कि चुनाव होने वाला है हम ये आ, जो है अपडेट कर रहे हैं आपके घर में कौन कौन है और ये है वो है तो जो फॉर्म उन्होंने मुझे दिया भरने के लिए उसमें मेल फीमेल तो था ही जीरो अदर्स भी था मेरा सवाल था जिज्ञासा मैं पत्रकार भी फ्रीलांस रही हूँ मैं जिज्ञासा मेरे मन में उपजी कि ये जीरो अदर्स क्या है तो उन्होंने कहा कि ये आ, सरकार सोच रही है आ, जो लिंग विकलांग है उनको लेकर के और आ, उनको भी आ, विचार हो रहा है आरक्षण दिया जाएगा पांच करोड़ के लगभग इस देश में लिंग विकलांग है मैंने आ, सुनकर मैं दंग रह गई क्योंकि इसके पहले ही मैंने नाला सोपारा को लिखना शुरू कर दिया था और उसका एक अंश पत्रिका है साहित्यिक वागर्थ जो कोलकाता भारतीय भाषा परिषद से छपती है और उसमें मैंने एक अंश भेजा था और शंभुनाथ जी संपादक थे और वो अंश उन्होंने बहुत सहर्ष छापा और उसको पढ़ करके के एक जज हैं वैष्णव जी उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी कि चित्रा जी आपका ये अंश पढ़ करके मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं उसके साथ ही एक दूसरी चिट्ठी मिली वो चिट्ठी थी हिंदी के बहुत बड़े लेखक बहुत बुजुर्ग लेखक प्रोफेसर रमेश शाह की जिन्होंने किस्सा गुलाम बेगम बादशाह लिखा उनकी चिट्ठी थी चित्रा जी इस अंश को पढ़ते हुए मेरी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे और ये वही अंश था आरंभिक अंश जो मैंने पढ़कर सुनाया आंशिक और मैंने तुरंत तुरंत फोन किया रमेश चंद शाह जी को बोले चित्रा जी क्या उपन्यास पूरा हो गया मैंने कहा नहीं जब जन गणना के लिए आया व्यक्ति आ, का, कानून अधिकारी मत करना जो वो से तो मैं उस वक्त मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए मैं लिखना चाहती हूँ मैंने डायरी में सारे नोट्स लिए हुए हैं और मैं मैं उसका नाम नाम था उस बच्चे का नाम। मैंने कहा मैं लिखना चाहती हूँ लेकिन अब मैं लिख रही हूँ जब से मैंने जीरो अदर्स के बारे में पढ़ा है और वो पहला अंश मैंने भेजा है तो उन्होंने कहा मुझे इंतजार रहेगा चित्रा जी इस बारे में तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं जबकि जैसा कि तुमने कहा कि हर सड़क पर मैंने ये दृश्य देखा है हर घर में जो बच्चा पैदा होता है मैंने ये दृश्य देखा उस दिन मैंने ये निश्चय किया लिखना कैसे है उसकी संयोजना किस तरह से करूं माँ और बेटे के बीच माँ वो समाज जिस समाज से वो आया है गुजराती समाज से और वो समाज जो हमारा वर्तमान समाज है और जिस वर्तमान समाज में हम 21वीं 21वीं सदी सदी में में हमारे नेता ने ने उस समय राजीव गांधी ने सदी में जाने का सपना देखा और युवाओं का समाज होगा वो उस समाज में ये युवा कहता है मैं पढ़ना चाहता हूँ मैं लिंग विकलांग हूँ लेकिन मेरे इस धड़ के ऊपर एक कदर मस्तिष्क भी है दीदी मैं पढ़ना चाहता हूं मेरा मैं किसी का हाथ पकड़ लू तो वह हाथ नहीं छुड़ा सकता मेरे अंदर वो ताकत है ये जो मस्तिष्क की बात उसने की तो मुझे लगा जो उसके सवालों से मैं जूझी और उसने बताया मुझे कि उसके मां बाप ने किसी तरह उसके उस लिंग विकलांगता को छिपा करके उपन्यास में ये सब मौजूद है और आ, 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 आपने वो अंश भी मन में पढ़ा कि वो उसके मन में जो सवाल उठे वो सवाल उससे रखे हैं तो इस तरह से वो माँ किस तरह से और वो पिता किस तरह से आ, समाज में बाध्य होते हैं क्यों बातें होते हैं क्योंकि ऐसे बच्चे जिस घर में भी होते हैं आ, उस घर को लोकापवाद का भय होता है उसको लगता है वो अपने लोक समाज में कैसे जिएगा किसी को पता चल गया तो उसके घर के अन्य बच्चों की शादी ब्याह नहीं होगी अरे इसके घर में तो लिंग विकलांग है यानी हिजरा है जिसे हम आज की भाषा में ट्रांसजेंडर कहते हैं तो ये ये ट्रांसजेंडर क्यों घर में अपने नहीं रह सकता ये सवाल ये उपन्यास रखता है सामने और मैंने रखने की कोशिश की है मैं शित्रा जी मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सवाल आज दर्शकों के मन में जरूर उठा होगा हमारी आंखें जो बंद थी कई बार हमारे सामने होते हैं लोग और हमें दिखाई नहीं देते तो आपने हमारी आंखें खोली हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शक ये उपन्यास पढ़ेंगे उनकी आंखें और खुलेंगी और ये सवाल उठेगा और ट्रांसजेंडर इंटरसेक्स लोग ये जो भी शब्द हमने इन्हें दिए हैं इन्हें अपना दर्जा मिलेगा समाज में और हम इसके लिए आभारी हैं कि आपने ये उपन्यास लिखा है चित्रा जी इसके अलावा आपने और बहुत काम किए मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ ये जो आवाज आपने आज लिंग विकलांग लोगों के लिए उठाई है ये पहली बार नहीं उठाई आपने आप छोटी सी बच्ची थी आपने जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई थी फिर आपको मोहब्बत हुई आपने मोहब्बत के लिए आवाज उठाई फिर आप मुंबई में झुकी झोपड़ियों में रही आपने मजदूरों के लिए आवाज उठाई तो हमें बताएं कि ये जो बगावत है आपके अंदर ये कहाँ से आई कि बगावत अगर आज मैं सोचती हूँ वनमीत जी तो मुझे लगता है कि इसके पीछे कुछ मानसिक दबाव रहे हैं और वो दबाव बिल्कुल स्पष्ट थे कि हम जब भी गांव जाते थे मुंबई शहर से तो वहां हम पाते थे कि मेरी वो माँ जो मुंह खोलकर पर्दा न करके शहर में रह रही है वो गांव में दो हाथ का घूंघट काट के रह रही है वो मर्दों के सामने ही नहीं रह रही है वो मेरी दादी के सामने भी अपनी जिठानी के सामने भी घूंघट काट कर रह रही है और इसके साथ साथ आ, मुझे टोका गया कि ये जो छोटी फ्रॉक पहनी है ना मेरी माँ को टोका गया ये छोटी फ्रॉक क्या मत पहनाऊ यहाँ नहीं चलेगा यहां सलवार कमीज पहनाओ मुझे टोका गया कि ये बाल खोल करके ये घर में मत डोलो बाहर मत जाओ घर के बाहर लड़कियों का खेलना मना है सिर्फ मर्द घर के बाहर बैठे हैं दरवाजे पर लड़के मुख्य द्वार से बाहर जा सकते हैं लड़कियां नहीं जा सकती लड़कियों के लिए एक दूसरा दरवाजा बना हुआ है उस बड़े से घर में दो आंगनों वाले एक छोटा आंगन एक बड़ा आंगन और उसके बाद बड़ा सा पैसेज और उसके बाद कुआं और उसके बाद एक दरवाजा जिसे खिड़की कहा जाता था वहीं से मेरी माँ मेरी चाची मेरी बड़ी माँ यानी मेरी ताई वो लोग आती जाती थी कहीं अगर बाहर भी जाना है मेले जाना है मंदिरों में जाना है कार्तिक का नहान यानी मेले में जो स्नान होता है गंगा का वहां जाना है सुबह शाम ऊपर टट्टिया पाखाने बने हुए हैं चार लेकिन लोटा लेकर के वो सब औरतें पिछवाड़े के दरवाजे से बाहर खेतों में जाती थी इसलिए जाती थी कि उनके लिए उस घर में केवल आंगन से जितना आकाश दिखता है या छत से दिखता है जिसे अटारी कहते थे बस उतना ही दिखाई देता था वो अगर लोटा लेकर के खेतों में न जाए मनमीत तो वो गांव की अन्य औरतों से नहीं मिल सकती उनसे नहीं बतिया सकती घर में सास के आदेश सुनने पड़ते हैं वो सास से बातें नहीं कर सकती अपने को बांट नहीं सकती तो ये मैं देखती थी कि सारी सुविधा होने के बावजूद उन औरतों के मन में ये भावना क्यों है क्यों जाती है वो बाहर जबकि मुझे तो आदत ही नहीं है लोटा लेकर के बाहर जाने की तो और उसके बाद बार बार ये टोका टोकी भाई जा रहे हैं घर के बाहर मुख्य दरवाजे से मैं जा रही हूँ फौरन मुझे पकड़ लिया जाता डाटा जाता कितनी बार समझाया जाएगा कितनी बार समझाया जाएगा समझ में नहीं आता तुमको लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल सकती तो ये जो था और मैंने एक और फर्क पाया मुंबई लौटने पर मैंने ये फिर महसूस करना शुरू किया कि भाई मेरे डान को माटूंगा मुंबई के स्कूल में कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं और हॉस्टल में रह रहे हैं और हम दोनों बहनों को मेरे से जो छोटी बहन थी उनको हिंदी स्कूल में डाला गया पहले सरकारी सेंट्रल स्कूल में डाला गया पवई लेख में कि वहां पर लेकिन कुछ हत्या हत्या हो गई थी आई आई टी पवई का विकास हो रहा था उन दिनों तो कुछ मजदूरों की चोरी चपाड़ी का किस्सा हुआ तो हमें वहां से निकाल लिया गया और हिंदी हाई स्कूल घाटकोपर में डाला गया और वहां पढ़ाया गया और वहीं से हमने पूर्णा बोर्ड से हायर सेकेंडरी पास किया ये फर्क बेटे और बेटी में अपने ही इतने बड़े बड़े खानदान की लड़की पोती मैं मेरे बाबा मेरे बाबा डॉक्टर चाचा फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर मेरे पिता नेवल अधिकारी मेरे सबसे छोटे चाचा पुलिस अधिकारी और बाद में वो प्रमोशन होते होते पुलिस कमिश्नर बने बॉम्बे के तो ये फर्क पुरुषों और स्त्रियों में जो मैंने पाया इसने विद्रोह मेरे मन में भर दिया और ऐसे ही मैंने एक उदाहरण जब मुझे स्कूल में कहानी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया मनमीत तो वो घटना भी कही एक टर्निंग पॉइंट है मैंने कहा मैं कहानी कैसे लिखूं तो मेरे आ, इस मेरी कक्षा के हिंदी के अध्यापक ने कहा कि जैसी कहानियां अपने पाठ्यक्रम में पढ़ती हो तो मैंने कहा कि अच्छा तो बोले कौन सी कहानियां तुमने पढ़ी हैं तो मैंने कहा मैंने ठाकुर का कुआं पढ़ी है प्रेमचंद की आ, मैंने ताई पढ़ी है अरुण जी की मैंने उसने कहा था पढ़ी है मैंने कुछ और कहानियों के नाम लिए कि मैंने ये ये पढ़ा है तो उन्होंने कहा कौन सी कहानी तुम्हें अच्छी लगी तो मैंने कहा ठाकुर का कुआ क्यों मैंने कहा मुझे इसलिए अच्छी लगी कि ठाकुर का कुआ ठीक मेरे घर की कहानी है मेरे घर के दरवाजे पर कुआ है घर के दूसरे आंगन में भी एक कुआं है लेकिन वो लोहे के ढक्कन से ढका रहता है उस कुएं का पानी नहीं पिया जाता है और मेरी मैंने जब सवाल किया कि घर में कुआ है और कहारिन जो है बाहर के कुएं से पानी क्यों भरती है घर में तो मेरी मां ने कहा बेटा इतने सवाल क्यों करती है ये कुआ ये कुआं सजा देने के लिए कब कुआं बन गया है घर की किसी लड़की का पांव इधर उधर होता है तो इस कुएं में ढकेल कर कह दिया जाता है कि वह पानी खींचने के लिए रही थी फिसल गया। वह सुनकर दंग रह गई दूसरी एक छोटी सी घटना और हुई वो घटना हुई कि जब वही जो मैंने कहा ना कि कहानी लिखने के लिए कहा जब उन्होंने तो वो तो कुआं मुझे याद आया और उसके साथ डोमिन काकी के साथ का याद आया। डोमिन घर में ऊपर की पाखाने अटारी यानी छत के पाखाने साफ करने के लिए और मनमीत जब वो साफ करके नीचे आ जाती थी तो उनको टोकरी भर अनाज दिया जाता था और उसके साथ साथ पनेथी यानी मोटी मोटी रोटियां दो और उसके ऊपर आम का अचार तुम तो मैंने दादी को चिल्ला करके कहा दादी दादी देखो डोमिन ऊपर पाखाना धुआई बैठी हैं। तो बोली डोमिन डोमिन ये डोमिन मत कहा कर इनको इधर आ एक चांटा लगाया ये डोमिन नहीं डोमिन काकी लगती हैं, डोमिन काकी कहा कहा कर गांव में हर ऊंच नीच कुछ नहीं है रिश्तों में वो कोई ना कोई संबोधन होता है और उसका इस्तेमाल किया जाता है कि तेरी लगती है तो मैंने कुछ दिनों बाद फिर मैं गिट्टक खेल रही थी गांव की लड़कियों के साथ आंगन में मैंने कहा डोमिन काकी आई हैं तो बोली आ, ये टोकरी भर अनाज और ये पने थी मोटी रोटियां ये ले जा और उनके कोच में डाला मैं गई लेकर डालने के लिए मैंने पनीथी रखी यानी रोटी रखी अचार रखा और वो कोंच में यानी आंचल में वो अनाज की टोकरी पलट दी अनाज बिखर गया आसपास मैं बैठ गई मैं उसको बैठ करके अनाज सरियाने लगी और उनकी जो छिरक जाना कहते हैं बिखर जाना मैं सरियाने लगी मेरी दादी ने उठी वो अपने जगह से और दौड़ करके आई और मुझे पकड़ के झटक के एक चाटा मारा गाल छूली यानी छू तुमने और इसके बाद उन्होंने डोमिन की ने हाथ जोड़ दिया बच्ची है और उन्होंने मेरी बड़ी माँ यानी ताई को आवाज दी कि आप और इसको नहान घर में ले जाओ और गंगा जल पानी में डाल दो इसको नहलाओ और इसके कपड़े रख दो खुद भी नहाओ और मेरे लिए भी दूसरे नहान घर में नहाने के लिए बाल्टियां भर के रख दो और उसमें भी गंगा जाए नहाएंगे काकी को छू लिया काकी कहते हैं और ये रिश्ता कायम करते हैं उसके बाद ये ये भी कि छू लिया तो ये कैसा रिश्ता है ये कैसा संबोधन है वो रिश्ता जिसमें रिश्ते की कोई भावना ही नहीं है तो मैंने उनको बताया ये दोनों घटनाएं तो उन्होंने कहा तुम लिखो मैंने कहा ठाकुर का कुआं पढ़ के मुझे यही लगा कि मेरे घर के दरवाजे पर जो कुआं है उस घर, उस घर घर के के दरवाजे कुएं में सिर्फ मेरा घर और मेरी बड़ी जो दादी हैं दूसरी दादी हैं उनके घर वाले ही पानी भर सकते हैं कोई अन्य नहीं भर सकता किसी किसी दलित दलित के टोले का कोई व्यक्ति पानी नहीं भर सकता तो ये कहानी कही न कहीं ना कहीं टैली कर गई और मैंने डोमिनका की कहानी लिखी और वो कहानी छपी है ज्ञानपीठ से जो संग्रह है मेरी लव कथाओं का उसमें डोमिनका की और वह कई जगह पाठ्यक्रम भी में भी पढ़ाई जा रही है तो इस तरह से इन भावनाओं के इन दबावों के इन उलझनों के कि कैसा हमारा बड़प्पन है हम एक हम एक अनाज देते हैं और वो यही अनाज हमारे खेतों के अनाज का अनाज जब इनके आ, इन, इनके आंचल में जाता है वो मतलब न छूने योग्य हो जाता है चित्रा जी, जी आप आपकी यही विशेषता है कि आपकी कथनी और करनी में फर्क नहीं है आपके व्यक्तित्व और कृतित्व में एक रूपता है जो हमारे समाज में नहीं है हम कहते तो काकी हैं लेकिन छूने से हम घबरा जाते हैं हम छुआछूत में विश्वास रखते हैं और यही जो आपने समाज में देखा ये विद्रोह की भावना बना और आपके पन्नों पर उतर आया और ये हमारा सौभाग्य है हम पाठकों का कि हम आपके द्वारा इतना कुछ सीख पा रहे हैं आज मुझे लगता है हमारी आवाज और बुलंद हो गई है तो हमारे साथ अपना कीमती वक्त जो आपने बिताया है हम आपके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं अब समय नहीं है नहीं तो बातचीत तो करने का बहुत मन है लेकिन आज की कड़ी हमें यही समाप्त करनी होगी चित्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपकी पूरी संवाद की जो अः की जो यूनिट है सबको धन्यवाद देती हूँ और ये संवाद मुझे लगता है लेखों के मन के ऐसे द्वार और चौखने खोलेगा जिसे, जिसे लोग जानेंगे कि का अर्थ क्या होता है समाज सापेक्षता सृजनात्मकता की क्या होती है बहुत बहुत धन्यवाद नई धारा आपका आभार चित्रा कार्यक्रम को के लिए और बहुत खुशी हुई मुझे बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों आंखें तो खुल गई अब हमारी अब देखते हैं हम में से कितने लोग आवाज उठाते हैं अगले रविवार वरुण ग्रोवर आपकी मुलाकात करवाएंगे जाने माने कवि और व्यंगकार अशोक चक्रधर जी से समय रहेगा सात से आठ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आभार फिर मिलेंगे धन्यवाद